Hello students, good morning. Welcome to you, CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now, we are going to continue our chapter 5 of geography, class 6th. Lesson name is Prithvi ke Pramukh Parimandal. Aaj hum iska jo last topic hai, wahi se dubara padhte hue aage badhenge. Apni book open kijiye. पेज नंबर 30 जो बुक मेरे पास है आप अपने पेज के अकॉर्डिंग अपनी लेसन 5 ज्योग्राफी का निकालिए. टॉपिक है एंटार्कटिका. एंटार्कटिका भी एक विशाल महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है. कहाँ पर है एंटार्कटिका? दक्षिण गोलार्ध में. इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल से ज्यादा है. दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है. दक्षिण ध्रुव स्थित है इसीलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परत ढकी रहती है. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मनुष्य जाति नहीं रहती है. अनेक देशों के जितने भी शोध केंद्र है वो यहाँ पर स्थित है. भारत के भी दो संस्थान यहाँ पर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. कल हमने पढ़ा था, आज हमने इसको फिर किया है. आगे हम पढ़ते हैं जलमंडल. पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं. किसे कहते हैं नीला ग्रह? पृथ्वी को. पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जो है वो जल है. 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है. यानी 100% में से 71 भाग पर पानी ही पानी है और 29 भाग पर पृथ्वी के स्थल रूप पर केवल स्थल है. जलमंडल के जल के सभी रूप विद्यमान है. इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प आदि सब शामिल है. महासागर, नदियां, झीलें, झरने, छोटी नदियां, हिम नदियां, बर्फ की और भूमि के नीचे से भी जो अंडरग्राउंड झरने हैं जहां पर भूमिगत जल है वो सब भूमि पर विद्यमान है. कुल जल का 97% से ज्यादा भाग पृथ्वी पर महासागरों से आता है. इतना ज्यादा खारा होता है, समुद्र का पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि इसे मनुष्य द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता. जल का शेष भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है. जल का थोड़ा सा भाग लवण जल के रूप में मिलता है जो मनुष्य के उपयोग में आता है. यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं. पृथ्वी पर पानी है और पानी का रंग दूर से देखने पर नीला प्रतीत होता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है. लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी पृथ्वी पर आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन पानी की कमी होती जा रही है. पानी बचाओ, सेव वाटर के आपको स्लोगन दिए जाते. क्यों? क्योंकि समुद्रों से आने वाला पानी हमारे किसी काम का नहीं, खारा होता है. और जो पीने लायक पानी है वो केवल जो स्वच्छ नदियां पर्वतों से आती है वो पानी है, तो उसका बहुत कम परसेंट हिस्सा में प्राप्त होता है. उसके बाद चलते हैं महासागर पर. महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. महासागरों का जल सदैव गतिशील रहता है. गतिशील का मतलब है कभी कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, चलता रहता है. इसमें तरंगे, लहरें सी आती है, ज्वार भाटा, पानी का ऊपर नीचे का उतरना चढ़ना, महासागर की धाराएं, जो धाराएं चलती हैं, नदियां आकर मिलती हैं, वो सब इसकी गतियां हैं. आकार के आधार पर चार प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और पांचवा एक अंटार्कटिक महासागर भी है. ठीक है, आप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग पर प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है. किसका? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर. प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा भाग स्थित है जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं. प्रशांत महासागर की आकृति वृत्ताकार है. वृत्ताकार का मतलब वृत्त आकार के. वृत्त कैसा होता है? चौरस. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और महाद्वीप इसके चारों ओर स्थित है. कौन कौन से देश? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका.
विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखेंगे तो प्रशांत महासागर के चारों स्थित इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लग सकता है। विश्व का दूसरा सबसे विशाल महासागर अटलांटिक महासागर है। इसकी आकृति एस, जो हम अंग्रेजी में बनाते हैं एस, उस टाइप की है। इसके पश्चिमी तट की ओर उत्तरी चित्र में दिए गए वर्गों को गिनिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दे रखे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सारे क्या है आपके महाद्वीप, आज हम पढ़ रहे महासागर। दक्षिण अमेरिका स्थित है, जहां से हमने लाइन पढ़ी थी ना, इसके पश्चिमी तट की ओर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका स्थित है, जबकि पूर्वी तट की ओर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसकी तटरेखा अत्यधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब अत्यधिक लाइन में बिल्कुल सीधी। यह अनियमित और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति होती है, जैसे उबड़ खाबड़ जाते ना, एक पंक्ति में नहीं होते, ऊंची नीचे होते, उसी तरह व्यापार की दृष्टि में इसे सबसे व्यस्त महासागर माना गया है। व्यापारिक दृष्टि से ये अच्छा माना गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश पर पड़ा है। हमारे भारत देश को हिंदुस्तान बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, तो इसी के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा। इस महासागर की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। क्यों? ऐसे सर्कल, गोलाकार, वृत्त, चौरस और त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में, जिस यह अफ्रीका तथा पूर्व दिशा में, इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका सॉरी पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। उत्तरी ध्रुव वृत्त में आर्कटिक महासागर स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। प्रशांत महासागर के द्वारा हिंद महासागर जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया ने इसे घेरा हुआ है। आज के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार समझ ले। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है? अफ्रीका में। और कौन सी है? नील नदी। सबसे लंबी पूछे तो नील नदी और सबसे बड़ी पूछे तो अमेजन नदी, ठीक है। किस जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल जल संधि के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सा महाद्वीप हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है? अभी आपने पढ़ा था अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? नाम बताइए। पांच, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा है? हिंद महासागर के नाम पर। आज की जो भी क्वेश्चन है ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं। आज इतना ही स्टडी करेंगे, इससे अगले टॉपिक को कल करेंगे। आपको साथ साथ याद करते हुए लिखकर फिर कॉपी में काम को साथ में चलना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।